हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। आज का जो टॉपिक है वह विलियम शेक्सपियर से संबंधित है। इनके संबंध में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, चाहे आपके यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस हों या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हों। इंग्लिश लिटरेचर के अंतर्गत यह टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। आज के इस सेशन में हम शेक्सपियर से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस लेंगे जो एग्जामिनेशंस की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हैं, तथा उसके बाद एग्जाम पॉइंट्स को भी डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर मैं आपको रिकॉल कराना चाहूँगी कि शेक्सपियर से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं वो आपके टीजीटी, पीजीटी इंग्लिश एग्ज़ाम्स तथा यूजीसी, नेट, जेआरएफ इत्यादि एग्जामिनेशंस में पूछ लिए जाते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द सेशन आई वुड लाइक टू से दैट प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड मोटिवेट चैनल फॉर न्यू अपडेट्स। इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। यू आर मोस्ट वेलकम फॉर योर सजेशंस एंड कॉमेंट्स फॉर टीचिंग लर्निंग परस्पेक्टिव। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट। मूविंग टू फर्स्ट क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन वीनस एंड एडोनिस से संबंधित है, शेक्सपियर से रिलेटेड है। वीनस एंड एडोनिस इज अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम। देयर आर फोर ऑप्शंस, शेक्सपियर, मार्लो, ड्रायटन एंड सिडनी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो शेक्सपियर है। शेक्सपियर के संबंध में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो उन्हीं के संबंध में जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि वीनस एंड एडोनिस इज़ अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम। वीनस और एडोनिस एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम है। किसके द्वारा लिखी गई है? शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है। इसे 1592-93 के दौरान लिखा गया था। वीनस एंड एडोनिस इज़ अ पोएम बाय शेक्सपियर रिटन इन 1592-93 विद अ प्लॉट बेस्ड ऑन पैसेज फ्रॉम ओविड्स मेटामॉर्फोसिस। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, यह प्रश्न शेक्सपियर के सोनेट से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स, शेक्सपियर के सोनेट के संबंध में जो क्वेश्चंस हैं वो सभी एग्जामिनेशंस में जनरली पूछ लिए जाते हैं, तो इनके संबंध में आपको नॉलेज अवश्य होनी चाहिए। और लेट अस नो द टोटल नंबर ऑफ पोएम्स इन शेक्सपियर्स सोनेट इज़। देयर आर फोर ऑप्शंस बट द करेक्ट आंसर इज़ डी, 154 सोनेट शेक्सपियर ने लिखे हैं। शेक्सपियर्स सोनेट इज़ द टाइटल ऑफ collection of 154 sonnets by Shakespeare which covers themes such as passage of time, love, beauty and morality. The first 126 sonnets are addressed to a young man, the last 28 to a dark lady. इनमें जो 126 sonnets हैं वो एक young man को address किए गए हैं, तथा जो 28 sonnets हैं वो dark lady को address किए गए हैं। तो इस तरह से इनके sonnets की जो कुल संख्या है वह 154 है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर सोनेट। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर प्लेज अपियर्ड इन। शेक्सपियर के फर्स्ट फोलियो से संबंधित ये क्वेश्चन है और इसका जो करेक्ट आंसर है वह सी है, 1623। एक्चुअली जो फर्स्ट फोलियो है वह पहला संस्करण है, शेक्सपियर प्लेज से संबंधित है यह। द फर्स्ट फोलियो इज़ द फर्स्ट कलेक्शन एडिशन ऑफ विलियम शेक्सपियर्स प्लेज। इसका प्रकाशन 1623 में हुआ था। 7 ईयर्स आफ्टर हिज डेथ ही रोट अराउंड 37 प्लेज, 36 ऑफ विच आर कंटेंड इन द फर्स्ट फोलियो। स्टूडेंट्स, हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि शेक्सपियर रोट 37 प्लेज, तथा 37 प्लेज में से जो 36 प्लेज हैं वो फर्स्ट फोलियो में इंक्लूड किए गए हैं। ये इनका पहला संस्करण था। अगला जो प्रश्न है वह भी शेक्सपियर प्लेज से रिलेटेड है। द फर्स्ट पब्लिश्ड इन द फोलियो ऑफ 1623। लेट अस नो व्हाट इज़ द क्वेश्चन। द लाइन प्रेजेंट फियर्स आर लेस देन हॉरिबल इमेजिनिंग्स अपीयर्स इन। इसका जो करेक्ट आंसर है वह मैकबेथ है। मैकबेथ से संबंधित है यह क्वेश्चन। मैकबेथ इज अ बिलीव्ड टू हैव बीन रिटन बिटवीन 1599 एंड 1606। इट वॉज द फर्स्ट पब्लिश्ड इन फोलियो ऑफ 1623। नाउ लेट अस डिस्कस सम स्पेसिफिक एग्जामिनेशन पॉइंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस नो दैट शेक्सपियर रोट 37 प्लेस। शेक्सपियर ने 37 प्लेस लिखे। नेक्स्ट, द फ्रेज स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक इज रिफर्ड टू शेक्सपियर बाय। इट वॉज द स्टेटमेंट ऑफ बेन जॉनसन। बेन जॉनसन ने ये स्टेटमेंट शेक्सपियर के संबंध में कहा है, द फ्रेज स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक इज रिफर्ड टू शेक्सपियर बाय बेन जॉनसन। अगला जो प्रश्न है वह भी शेक्सपियर के विलेज से संबंधित है। स्ट्रैटफोर्ड इज अ चार्मिंग लिटिल विलेज इन वॉरविकशायर।
इज अ स्पेसिफिक प्लेस एंड इट इज अ चार्मिंग विलेज. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इन शेक्सपियर्स ट्रेजिडीज द डोमिनेंट नॉट इज कैरेक्टर इज डेस्टिनी. शेक्सपियर की जो ट्रेजिडीज हैं उनमें जो डोमिनेंट नॉट होता है वह कैरेक्टर इज डेस्टिनी है. अतः शेक्सपियर्स के ट्रेजिडीज में डोमिनेंट नॉट के संबंध में हमें पता होना चाहिए. अगला जो प्रश्न है वह शेक्सपियर्स के प्लेस से रिलेटेड है. होलोफर्नेस इज अ स्कूल मास्टर इन वन ऑफ शेक्सपियर्स प्ले. शेक्सपियर्स विच प्ले? तो लव्स लेबर्स लॉस्ट इस प्ले से संबंधित है. नेक्स्ट पॉइंट, द डिफीट ऑफ आर्मडा इज, इसका करेक्ट आंसर 1588 है. नेक्स्ट पॉइंट भी वीनस एंड एडोनिस से ही संबंधित है. द नैरेटिव पोयम वीनस एंड एडोनिस इज डेडिकेटेड टू अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन हेनरी वर्सले एंड बैरन ऑफ टिचफील्ड. ये जो वीनस एंड एडोनिस पोयम है ये इन लोगों को समर्पित की गई है, डेडिकेटेड की गई है. मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज सेड टू बी अनफिनिश्ड. शेक्सपियर का अनफिनिश्ड प्ले कौन सा माना जाता है? हेनरी एट एंड पॉसिबली द लॉस्ट कार्डिनियो. इस पॉइंट में शेक्सपियर के संबंध में स्टेटमेंट को दिया गया है. हमें ये जानना है कि किसने ये स्टेटमेंट कहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस नो व्हाट इज द स्टेटमेंट. शेक्सपियर्स लिव्ड इन अ प्ले लविंग एज ही स्टडीड द क्राउड्स गेव देम व्हाट दे वांटेड एंड सिंपली रिफ्लेक्टेड देयर ओन थॉट्स एंड फीलिंग्स इन रिफ्लेक्टिंग द इंग्लिश क्राउड्स अबाउट हिम ही अनकॉन्शियसली रिफ्लेक्टेड ऑल क्राउड्स विच आर अलाइक इन ऑल एजेस हैंस हिज कंटिन्यूड पॉपुलैरिटीज हुज ओपिनियन इज दिस. तो ये जो ओपिनियन है शेक्सपियर के संबंध में ये लॉन्ग ने कहा है. तो लेट अस नो दैट लॉन्ग हैज़ रिमार्क्ड दिस स्टेटमेंट. इसमें शेक्सपियर के प्लेस के संबंध में या उनकी राइटिंग्स के संबंध में कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन किया गया है. लॉन्ग ने इस संबंध में कहा है कि शेक्सपियर ने सर्वप्रथम जनमानस को पढ़ा, क्राउड के संबंध में पढ़ा, उनके विचारों को जाना तथा वही सब कुछ अपने प्लेज में स्पष्ट किया. अबाउट हिम ही अनकॉन्शियसली रिफ्लेक्टेड ऑल क्राउड्स, और यही सब उनकी पॉपुलैरिटी का कारण बना. तो लॉन्ग का ये स्टेटमेंट है जो शेक्सपियर के संबंध में कहा गया है. लेट अस नो अपार्ट फ्रॉम दिस लेट अस रिमेंबर इट ऑल्सो. नेक्स्ट पॉइंट भी शेक्सपियर के प्लेस से संबंधित है. फर्स्ट फोलियो से रिलेटेड है. द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर्स प्लेस केम इन टू 1623 एंड फॉर दिस क्रेडिट गोज टू टू एक्टर्स हेमिंग एंड कॉन्डेल. द फोलियो कंटेंट 36 प्लेज, वन प्ले वॉज नॉट इंक्लूडेड, विच वन? तो ये फर्स्ट फोलियो से संबंधित है जो कि इनके प्लेज का पहला संस्करण था और इसमें 36 प्लेज कंटेन किए गए थे. इसमें ये जो प्रश्न है वो ये है कि कौन सा वो प्लेस था जो कि इसमें कंटेन नहीं किया गया था. शेक्सपियर के पेरिसिल्स प्लेस को फर्स्ट फोलियो में इंक्लूड नहीं किया गया था. तो ये हमें पता होना चाहिए कि पेरिसिल्स को फर्स्ट फोलियो में इंक्लूड नहीं किया गया था. इन्होंने 37 प्लेस लिखे शेक्सपियर ने और 36 प्लेस को फर्स्ट फोलियो में इंक्लूड किया गया था. लेट अस रिमेंबर इट. अगला स्टेटमेंट भी लॉन्ग ने कहा है शेक्सपियर के संबंध में. इन अ वर्ड ही इज़ द यूनिवर्सल पोएट. एक शब्द में कहें तो वो यूनिवर्सल पोएट हैं. दिस इज़ द ओपिनियन ऑफ लॉन्ग अबाउट. तो अबाउट किसके बारे में कहा गया है? शेक्सपियर के बारे में कहा गया है. हमें ये पता होना चाहिए, ये याद भी होना चाहिए ताकि एग्जामिनेशंस में यदि हमारे समक्ष 4 ऑप्शंस आएँ तो हम उनमें जो सही है, सही विकल्प है उसका चयन कर सकें. मूविंग टू नेक्स्ट एग्जामिनेशन पॉइंट, आई डू नॉट रिमेंबर दैट एनी बुक और पर्सन और इवेंट इन माई लाइफ इवन मेड so great an impressions upon me as the plays of Shakespeare who said. तो गोथे ने ये स्टेटमेंट शेक्सपियर के संबंध में कहा है. गोथे ने शेक्सपियर के संबंध में कहा है कि किसी भी पुस्तक ने, किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी घटना ने मेरे जीवन को इतना अधिक प्रभावित नहीं किया है जितना शेक्सपियर के प्लेज ने किया है. तो ये गोथे का स्टेटमेंट है जो शेक्सपियर के संबंध में कहा गया है एंड वी शुड रिमेंबर इट. अगला जो स्टेटमेंट है वह भी शेक्सपियर के संबंध में है जिसे लॉन्ग ने कहा है और ये इनकी एप्रिसिएशन से संबंधित है. और कहीं ना कहीं इस स्टेटमेंट में यूनिवर्सलिटी ऑफ शेक्सपियर देखी जा सकती है कि इवन दोज हु रेड नो शेक्सपियर, वे व्यक्ति जिन्होंने शेक्सपियर को पढ़ा ही नहीं है, आर स्टिल अनकॉन्शियसली गाइडेड बाय हिम, आज भी अनकॉन्शियसली शेक्सपियर के द्वारा गाइड होते हैं. फॉर हिज थॉट्स एंड एक्सप्रेशंस
हैव सो परवेडेड आवर लाइफ एंड लिटरेचर दैट इट इज़ इम्पॉसिबल सो लॉन्ग एज वन स्पीक्स द इंग्लिश लैंग्वेज टू एस्केप इन्फ्लुएंस हु सैड ये स्टेटमेंट किसने कहा है ये लॉन्ग ने कहा है शेक्सपियर के संबंध में कहा है और शेक्सपियर यूनिवर्सैलिटी को कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट एक्सप्लेन करता है तो हमें ये स्टेटमेंट पता होना चाहिए और मूविंग टू नेक्स्ट एग्जामिनेशन पॉइंट द पब्लिश हु पब्लिश्ड द फर्स्ट फोलियो आई मीन टू से द फर्स्ट लाइफ ऑफ शेक्सपियर्स इन 1709 हु पब्लिश्ड द फर्स्ट लाइफ ऑफ शेक्सपियर इन 1709 किन्होंने शेक्सपियर्स लाइफ को पब्लिश किया इससे संबंधित ये क्वेश्चन है तो इसका जो सही आंसर है या सही पॉइंट है वह निकोलस रॉ है ये हमें पता होना चाहिए मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट हु अटैक्ड शेक्सपियर्स इन अ पैम्फलेट कॉल्ड अ ग्रॉट्स वर्थ ऑफ विट बॉट विद अ मिलियन ऑफ रेपिटेंस रॉबर्ट ग्रीन का ये स्टेटमेंट है शेक्सपियर के संबंध में कुछ ही स्पेसिफिक एग्जामिनेशंस पॉइंट थे जो आपके यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस की दृष्टि से भी एसेंशियल हैं आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा टाइम टू टाइम इनके संबंध में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश लिटरेचर के जो स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं उनको लेकर आएंगे दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू फॉर बीइंग विद मी प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ थैंक यू